साथियों, आज का वीडियो है संन्यास और योग। दोनों में क्या समानता है? अधिकतर हम सन्यासी और योगी का को एक जैसा ही समझते हैं, तो बहुत ही भ्रम की स्थिति है इस विषय में। कार्य व कर्म के संदर्भ में योग क्या है, कर्म से इनका क्या संबंध है, लोग योगी किस कारण बन जाते हैं, उनके क्या हित होते हैं, और जो योगी हो गए हैं, योगारूढ़ हो गए हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं उनके, ये सब समझने के लिए आइए जानें क्या भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इन 6वें अध्याय के इन 4 श्लोकों में क्या कहा है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या ससन्यासी च योगी च न निराग्निर न चाक्रिया। उसमें कहा कि जैसे हम कहते हैं कि ये सन्यासी है, तो कह रहे हैं कि सन्यासी और कौन है, इसकी परिभाषा पहले समझने को। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या, अनाश्रिता कर्म फलम, जो कर्म फल पे डिपेंडेंट नहीं है, अनाश्रिता आश्रिता डिपेंडेंट, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या, लेकिन वो कर्म करता है, कार्य के कर्म फल पर वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो कर्म करता है, जो भी इसकी ड्यूटी असाइंड है, बल्कि इच्छा के लिए बिना वो कर्म करेगा। हाँ, ससन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निराग्निर न चाक्रिया, लोग मानते हैं कि जिसने अग्नि का खाना छोड़ दिया, बहुत से लोग होते हैं सन्यासी, कहते हैं कि हम पकाते नहीं, हमने किचन छोड़ दी, तो जो पकाते नहीं है कि वो हम सन्यासी हो गए, या जो समझते हैं हम कोई काम नहीं करते, अक्रिया, न निराग्निर न चाक्रिया, अक्रिया मतलब जो है आप जो है हम कोई काम नहीं करते और हम सन्यासी हो गए, तो कह लेंगे न काम करने वाला भी सन्यासी नहीं है, और अग्नि का बना हुआ पका हुआ न खाने वाला भी सन्यासी नहीं है, वही योगी है जो अपना कर्म करता है लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं रखता। नहीं करो मतलब केवल वही नहीं, अगर तुम कर्म कर रहे हो तभी तुम सन्यासी हो, जो तुम्हारी असाइन ड्यूटी है, जो भी तुम्हारे पास कर्तव्य हैं, वो सारे कर्तव्य तुम निभा रहे हो तभी तुम है ना। यम संन्यास मित प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कह रहे हैं जिसको संन्यास कहा गया है, यम जिसको संन्यासम इति संन्यास ऐसा कहा गया है, प्राहु योगम, प्राहु मैंने कहते हैं, योगम उसी को योग कहते हैं, तम विद्धि पांडवा, हे अर्जुन तुम समझो, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को योग कहते हैं, नहीं संन्यस्त संकल्पो, संकल्प मीन्स आपने किसी भी चीज़ की संकल्प किया, हमें ये काम करना है, उसका फल में वहाँ तक उसको त्यागने वाला, समझे, जो भी संकल्प को त्यागने वाला वो योगी भवति कश्चन, जो अगर संकल्प को नहीं त्यागता है तो योगी नहीं हो सकता। संकल्प मीन्स जो ड्यूटी आपको असाइंड है वो आप नहीं कर रहे हो, और उसके कर्म फल को संकल्प कर्म फल को रख रहे हो, अगर आप कर्म फल चाहते हो, कर्म का फल चाहते हो, तो जो संकल्प किया कि ये कर्म हम कर, ये फल है, संकल्प का मतलब यहाँ पर कर्म फल है, अगर फल को चाहते हो किसी भी चीज़ में तो वो जो है आप योगी नहीं हो। आरुरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। ने कहा आरुरुक्षेर मुनेर योगम, आप योग पर आरूढ़ हो, आरुरुक्षेर मुनेर योगम, मुनि तुम योग कर क्यों, और इसका कारण कर्म कारण मुच्यते, और योग कैसे आरूढ़ हो गए, कर्म का आपका कारण क्या है, कर्म, आप जब आप कर्म को असाइन ड्यूटी को करोगे तभी आप योग पर आरूढ़ होगे, जो भी आपकी ड्यूटी है प्रॉपरली आप करोगे
तभी आप योग पर आरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमः कारण मुच्यते। और जब आप योगी हो गए, योगारूढ़ हो गए, तब आपको क्या क्षमः माने शांति, तब आप जो है संकल्पों को छोड़ दो, मतलब जो कर्मफल को छोड़ दो, तो उससे जो है आप जो आपके पास ड्यूटी आई, आपने वो ड्यूटी आप हम कर रहे हैं, उसके कर्मफल को छोड़ दिया, तो ये क्षमा जो शांति है उसका वही कारण बनती है, मतलब वही पर्पज़ होता है इसका योगारूढ़ का। पहले जब योग करना चाह रहे हो तो आप कर्म में जाओ, और उसके बाद जब योगारूढ़ हो गए तो कर्मफल को छोड़ दो, और वही जो है जिससे तुम्हें शांति मिलेगी वही शांति का कारण होता है। हाँ एक्चुअल शांति है, क्योंकि जब भी आप कर्मफल की तरफ रहोगे तो आप अशांत मन रहेगा, हाँ ये नहीं, ये नहीं हुआ, ये होगा कि वो होगा, ये होगा कर, हाँ इंक्रीमेंट कब होगा, इंक्रीमेंट कब होगा। आज शर्मा जी, हम अपने आप को दुखी नहीं है, हम पड़ोसी को देख के ज़्यादा दुखी हैं, हाँ यही रिश्तेदार को देख के ज़्यादा दुखी हैं कि भाई उसके पास कार है, उसके पास इतनी बढ़िया कोठी है, हाँ इसको आगे एक्सप्लेन किया इसको इसका आगे एक्सप्लेन इसको आगे एक्सप्लेन किया है, इसलिए नहीं कि हमारे पास नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, इसके पास शर्मा जी के पास कार है। इसको आगे एक्सप्लेन किया है, यदा हीनि इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते संग सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। अब तुम जो योगारूढ़ हो गए हो इसका प्रमाण क्या है, यदा हीनि इंद्रियार्थेषु, यद माने यदा में जब, निश्चय ही न इंद्रियार्थ, तुम इंद्रियों के लिए नहीं काम कर रहे हो, अपनी इंद्रिय सुख के लिए काम नहीं कर रहे हो। यदा हीनि इंद्रियार्थेषु न कर्मसु कर्मसु न सज्जते, और न ही कर्म में आपको अटैचमेंट हुआ है इसलिए काम कर रहे हो, आपका कर्तव्य है इसलिए कर रहे हो, मतलब न तो आप उसे कर्म से अटैच्ड हो इस वजह से कर रहे हो, न आपके इंद्रिय सुख के लिए काम कर रहे हो। सर्व संकल्प सन्यासी, सब फलों को कर्म फलों को जो है आपने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, योगारूढ़ तदोच्यते, तभी आप परफेक्ट योगारूढ़ कहो जाओगे, आप उसी समय कहे जाओगे तो आप पक्के योगारूढ़ हो गए। कर्म फल पर जो न रहे कभी निर्भर, लगा रहे अपने कर्तव्य हित कर्म पर, कर्म फल पर जो न रहे कभी निर्भर, लगा रहे अपने कर्तव्य हित कर्म पर, वही सन्यासी वही योगी है कहलाता, न क्रियाहीन न अग्नि का त्यागी नर, वही सन्यासी वही योगी है कहलाता, न क्रियाहीन न अग्नि पका त्यागी नर, जिसको सन्यास कहे उसे ही जान योग, जिसको सन्यास कहे उसी को जान योग, योगी यदि संकल्प ले कि त्याज्य भोग, कर्म के हेतु जो योग करे मुनि उसको, शांति उद्देश्य से अपनाते योगारूढ़ लोग, जिसको संन्यास कहे उसे ही जान योग, योगी यदि संकल्प ले कि त्याज्य भोग, कर्म के हेतु जो योग करे मुनि उसको, शांति उद्देश्य से अपनाते योगारूढ़ लो। इंद्रियों की तुष्टि हेतु जब न होते कर्मरत, अपने सभी संकल्पों में रहते कर्म फल विरत, इंद्रियों की तुष्टि हेतु जब न होते कर्मरत, अपने सभी संकल्पों में रहते कर्म फल विरत, वही तब कहे जाते
योग में स्थित योगी निष्काम कर्म में जो अनुरक्त ये मेरा मत। लर्निंग्स, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर योगा और संन्यास? There are some basic things that must be there in a yogi or sannyasi. So what are those essential? What are the basic things that must be there? People think that if one is not doing anything and is also not eating uncooked food, he is not eating cooked food, then he is sannyasi. But it is not fact. Actually, yogi and sannyasi both are for some assigned duty. They take yoga or sannyas to perform certain assigned duties, but they do not desire any result of the food. They do not desire any results for those actions, that is, fruits of actions. If a person does not desire fruits of action and he performs assigned duty, then he is yogi or sannyasi. Then, what is the difference between yogi and sannyasi? Who you will call yogi? Why the yoga is started? Yoga is started to perform certain duties. This is the basic and foremost thing. And also, he does not consider anything else than duties. He is a kriyashil. First, we must understand what is the difference between karya and karma. Karma is the duties assigned and karya which you have to perform your routine. So, yoga is started to perform certain assigned duties. But once you have become the yogi, you have perfected yoga, then all the assigned duties or whatever you are performing, that you are doing for eternal peace. Your purpose is eternal peace. Where you have started to perform the duties, that is, karma is the purpose, but here the shanti is the purpose, you are performing to attain the eternal peace. Lastly, yogis characteristics is that yogis are unattached with sensual desires and even to the actions. It means yogi is neither desiring any sensual things or nor he is attached with any actions. He is not performing the actions because he is attached with it. He is performing the action because it has been assigned to him. So, this thing we must understand, that the difference between sannyasa and yoga. And what he should be? Yogi is a muni. Sannyasi is not supposed to be muni, but yoga is a muni. Muni means he is analyzing the things. He is analytic in his approach. Muni, manan. Muni word has come from manan, analysis. So whatever action has been assigned to him, whatever duty has been assigned to him, he is analyzing that duties. Analytic approach he is having, then he is performing the actions. And also, he does not have any attachment with sensual desires. No sankalp. Rather, everything is added. Yoga means addition. So, he is performing one action
when the action is performed, that duty has been completed, then take up the second duty and the next duty. Thus addition goes on. So yoga means addition. Yogi means without any desire, without having any attachment with the results, actions or duties are being added, and he is performing all the duties for the eternal bliss. Thank you, friends. If you like this video, please subscribe so that I am motivated to give you more videos from the Gita.